जी, तो ये था सामिया का सेगमेंट। अब हम ईमेल्स पढ़ते हैं। ईमेल ये है राबिया जावेद की। राबिया कहती है, अस्सलाम वालेकुम ZQ। वालेकुम अस्सलाम राबिया, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हैं और हमारे घर में सब ही जागो दुनिया बहुत शौक से देखते हैं। आपके शो में सभी कुछ बहुत अच्छा होता है और जिस दिन बुशरा अंसारी आपकी गेस्ट थी उस दिन तो प्रोग्राम देखने का और भी ज़्यादा मज़ा आया। आप प्लीज़ अपने प्रोग्राम में राहत फ़तेह अली ख़ान को भी इन्वाइट कीजिए। बिल्कुल राबिया, हम ना सिर्फ राहत फ़तेह अली ख़ान को बल्कि आतिफ़ असलम को, अली ज़फ़र को, अली अजमत को, स्ट्रिंग्स को, हमारी कोशिश यही है कि हर शोबे में, चाहे वो शोबिज़ हो, चाहे वो म्यूज़िक हो, ऑफ़ कोर्स म्यूज़िक शोबिज़ का हिस्सा है, चाहे वो फिल्म स्टार हो, टीवी स्टार हो, पॉलिटिशन हो, स्पोर्ट्समैन हो, जो भी शोभा है, कि हम जितने से ज़्यादा हम सितारों को बुला सकें और आपकी मुलाकात करवा सकें हम करेंगे। इस वक्त जाकर देखते हैं कि बुशरा अंसारी का जो सेगमेंट था वो क्यों राबिया को इतना मज़े का लगा। और राबिया, अगर आप ये देख रही हैं तो उम्मीद है कि आपको रिकैप भी उतना ही अच्छा लगा जितना आपने पहली दफ़ा देखा। बुशरा, थैंक यू सो मच, वेलकम टू जागो दुनिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। बुशरा, मुझे बताएं कि आप तो काफ़ी देर से माशाल्लाह इकबाल अंसारी साहब को, तो मैं भी आपके थ्रू कह के प्लीज़ कुछ डायरेक्ट कर ले, हमें भी कोई मौका दे दें। मगर आप मुझे बताएं कि जो आप नई प्रोडक्शंस देख रही हैं डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, नए कलाकार आ रहे हैं माशाल्लाह से, क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? मुझे पता है बहुत ही दकियानूसी सवाल है और बहुत घिसा पिटा सवाल है, लेकिन बहुत मस्त है। नहीं नहीं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बड़े अच्छे एक्टर्स। आपने जवाब भी वैसा ही दिया जैसे नहीं नहीं नहीं, सीरियसली मतलब ये मैं डिप्लोमेटिक नहीं हो रही हूँ, हमारे बहुत अच्छे एक्टर्स हैं। और जिस तरह की इस वक्त भाग दौड़ में वो काम कर रहे हैं ना, इस सेट से उधर और दूसरे दिन दो दिन इधर तीन दिन उधर, उसके अंदर भी वो जब कैरेक्टर कर रहे हैं, मैं फैसल कुरैशी, माशाल्लाह फैसल रहमान, मैं कहती हूँ दुनिया में कहीं खड़ा कर दें आप इनको। वो नया बच्चा आया बड़ा अच्छा हमारा, फहद सनी, बिल्कुल वो है। फिर हमारी पास लड़कियां बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मारिया तो करती है हमेशा से अच्छा, बिल्कुल, बिल्कुल। और बीनेश चौहान बहुत हाँ, सी आई हाँ, है। बहुत, तो मैं ये नहीं कह रही कि अब नए लोगों में वो जज्बा नहीं है, हमारा ठीक है अपना वक्त बहुत जबरदस्त था, लेकिन हमारा काम करने का तरीका और था। आपके नंबर वन फैन हमारे साथ लाइन पे हैं। अच्छा, बहुत बहुत आपके फैन हैं और काफी देर से रहे हैं। अच्छा। तो हम उनसे बात करते हैं। आप बताइए, बुशरा आपा के साथ इतना माशाल्लाह लंबा हसीन रंगीन सफर जो है, उस पर थोड़ा सा अगर आप बुशरा आपा के ऊपर रोशनी अगर डालें, आप वो कुछ ना जोक ना कीजिए मगर कुछ आप अगर बताना चाहें। रोशनी क्या डालनी, तो अब इतने तवील है ना, जो है ये खुद एक बहुत बड़ा सबूत होता है कि आप उस शख्स के साथ उसकी एक अच्छा वक्त गुजार रहे होते हैं। और इसमें जो मुझे ज्यादा प्लेयर रहा है वो ये रहा कि अगर आप क्रिएटिव बिजनेस में हैं तो मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ऐसी बीवी के साथ रहना जरा बहुत मुश्किल होता है जो आपकी सोच और आपके मुख्तलिफ मूड्स को अंडरस्टैंड ना करती हो, जो जो कि आप जब इस तरह के काम में होते हैं तो वहां पर आते रहते हैं जी। तो मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट पार्ट रहता है और पार्टनरशिप इसमें बड़ी स्ट्रांग होती है कि आप किसी भी तरीके से, ये नहीं होता कि सिर्फ बच्चे पालने ही में एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं, बल्कि आप अपने क्रिएटिव मोमेंट्स में भी एक दूसरे को शेयर कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच जी। अच्छा, आपने बहुत से, आपने अभी स्क्रिप्ट भी, जो आप स्क्रिप्ट की बात हो रही थी, तो अब आप क्या फिल्म की तरफ जाएंगी? स्क्रिप्ट अभी तो मैंने इसका फैसला नहीं किया, लेकिन कोई ऐसी जगह आएगी तो लिख सकती हूँ फिल्म भी, एक है प्लॉट माइंड में, लेकिन फिलहाल तो सीरियल्स ही। एक तो मेरा अभी शूट हो गया जो एडिट हो रहा है, अभी कुछ दिनों में चलेगा, उसका नाम है कोकोज नेस्ट। wow. और एंजेलिन ने उसको डायरेक्ट किया, इकबाल की अंडर सुपरविजन वो हुआ है। और एक सीरियल और मेरा अधूरा है अभी, उसको मैंने बीच में रोका हुआ था, वो बीच में इकबाल ने लिखवा लिया, तो वो इंशाल्लाह यूब खावर साहब करेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद एक और शुरू कर रही हूँ, तो लिखने का सीरियल्स का सिलसिला जो है वो साल में एक दो भी हो जाए, बल्कि एक ही हो जाए तो बहुत है। नीलम, आपकी बहन हमारे साथ लाइन पे है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप लोगों को देख रही हूँ, बड़े प्यारे लग रहे हैं दोनों। थैंक यू सो मच। और बताइए बुशरा आपा, एज योर सिस्टर, माशाल्लाह यू आर सो लकी, वैसे तो आप भी गिफ्टेड हैं। बहुत अच्छा लिखती हैं नीलम बाजी, बड़ा खूबसूरत अफसाना लिखती हैं, बड़ी अच्छी शायरी आजकल एक दो चीजें सुना रही हैं हमें, और अब माशाल्लाह बाजी के लिए तो अब हमारी बाजी की, हमारी माँ की तरह है। आप बताएं इनकी बचपन की कोई शरारतें, क्या ये जिस तरह से इनके जो कैरेक्टर्स होते हैं, मिस बिजली, क्या ये वैसी थी बचपन में, शरारती थी या बहुत अच्छी? ये बचपन में शरारती भी थी और
कुछ मुख्तलिफ चीज हमसे जरूर थी, मुख्तलिफ इसलिए हम लोग दो जो हैं वो बड़ी बहनें ऊपर हैं और बीच में दो बच्चे नीचे हैं, तो ये मिडिल चाइल्ड थी। लेकिन इसकी वजह से इसने अपनी इंफरादियत हमेशा कायम रखी, ये अपना काफी अच्छा ख्याल रखती थी और अपने लिए अलग से खाना बनाती थी, सलाद काटती थी, ट्रे सजाती थी और बहाना बनाती थी कि मेरे पेट में दर्द है ताकि इसको चावल पसंद है तो मैं चावल खाऊं, और हम लोग मुंह देख रहे थे ये अपना चावल की ट्रे लेके बैठी थी। फिर इसकी गुड़ियां अलग थी और ये अपनी गुड़ियों को अलग से रखती थी, इस तरह की थी ये। लेकिन ये है कि मैं देखती हूँ उसकी बचपन की ट्रेड्स में कि शी ऑलवेज वॉज डिफरेंट एंड मे बी शी वॉन्टेड टू मेक अ मार्क कि जिंदगी में मैंने अपना एक अलग से मकाम बनाना है। थैंक यू सो मच कि आपने ये इनकी सारी बातें बताई। एक तो आप मेरी सीनियर भी हैं, मगर क्या लव मैरिज थी कि आप लेकर आई थी ट्रॉली sort और of. मुझे बड़ा मजा आता है सवाल। लेकिन हुआ ये था कि बस असल में दो तीन महीने में उन्होंने देखा आपको कहीं शादी पे? नहीं नहीं नहीं, नहीं टेलीविजन स्टेशन पे, मैं बच्चों के प्रोग्राम में थी, वो प्ले करते थे, उन्होंने प्ले ऑफर किया, मुझे इजाजत नहीं मिली, फिर वो उन्होंने अब हमारे घर पे आके मेरे अब्बा से बात कर ली और तीन महीने में शादी हो गई। अब इसको आप लव मैरिज कह लेते हैं? ऑफ कोर्स उनकी तरफ से तो डेफिनेट लव थी, नहीं मतलब हमारी दोस्ती हो गई थी। हाँ। लेकिन मेरे ख्याल लव मैरिज वो होती है जिसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, दो चार साल मंगनी रहती है, पर बड़े तो एडवेंचर होते हैं। हाँ। हाँ, वो शायद ज्यादा लव मैरिज कहलाती है। अनवर मकसूद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अनवर साहब कैसे हैं आप? बुरा। अच्छा बहुत अच्छी बात है, आप वैसे ही रहिए और प्लीज जागो दुनिया में भी आप बुरे ही आइएगा। अच्छा जी बुशा आप हमारे साथ बैठी हुई हैं। बस जी मैं इनके बारे में क्या कहूँ, आप इनके बारे में जो आपका दिल चाह रहा है। हर फन मौला है। बिल्कुल। और जितनी बड़ी अदाकारा है, ये मेरे ख्याल में इस तरह के कोई परफॉर्मर हमारे यहाँ या पड़ोस के मुल्क पे नहीं है। बिल्कुल। ये इनको अगर संजीदा रोल दे तो वो भी उसी तरीके से करती है जिस तरह ये मजाहिया रोल करती है। और वाहिद अदाकारा है, एक दो हैं जिनमें ये भी हैं कि जो स्क्रिप्ट समझ के काम करती है। शुक्रिया बहुत बहुत अनवर साहब, और प्लीज जरूर हम इंशाल्लाह आपको फॉर्मल इनविटेशन देंगे और आप प्लीज जागो दुनिया पे जरूर आइएगा। ठीक है, थैंक यू अनवर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज जी। वाओ अनवर मकसूद साहब हिस्सों में से बिल्कुल कैसा था इनके साथ काम करना? बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने जो ज्यादा ह्यूमर किया वो कुछ इसी टाइप का, इन्हीं का ही लिखा हुआ मैक्सिमम किया। बिल्कुल। शुरू किया था तो फारूक कैसर साहब की वो पपेट्स के शो में किया था, तो वो भी एक बड़ा दिलचस्प किस्म का ह्यूमर है। लेकिन जब से कराची फिर मैं आई तो जो मैंने एक शाइस्ता मजाक जो होता है ना वो मैंने किया, तो वो मैंने इन्हीं का लिखा हुआ किया। सुहेल साहब हमारे लाइन पे हैं तो हम उनसे बात। हाँ सदके जाओ मेरा प्यारा सुहेल, हसबे हाल वाला, हसबे हाल वाला मुझे बड़ा प्यारा बहुत ही, बस मैं तो बड़ी खुश हो गई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जी? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बुशा आप बैठी हुई है वो भी आपकी तारीफ कर रही हैं, और आप मैं दम बखुद हूँ, मैं कुछ नहीं कह सकती। आज आपके टेलीविजन की आपके चैनल की ट्यूनिंग हो गई है। बुशरा अंसारी साहबा को आपने बिठाया, आपका चैनल ट्यून हो गया। सही सुहेल, वो जो तस्वीरें खिंचवाने वाला वो है, मैं तो पागल हो गई हूँ, मैं क्या करूँ, मैं तो पब्लिसिटी मतलब मार्केटिंग भी मैं कर रही हूँ ना आपके शो की, मैं तो पूरे कराची में दूंगी। आपने देखा? आपने देखा? आपने देखा? मैं तो कईयों को तो पंजाबी जुगते समझ में नहीं ना आती, और जो जो रमजे पंजाबी होती है मजेदार वाली, खुद ही अल्लाह उन्हें पूछेगा जिन्हें समझ नहीं आती। मुझे बहुत बहुत प्यार आता है आपको देख के और बड़ा मजा आता है, आपको पता ही है मैं आपको बड़ा प्यार करती हूँ। फिर आपने जरूर आना है फिर से इंशाल्लाह, पूरा सुनाएंगे आप कुछ दिल ने कहा, और भी ज्यादा, और मिस बिजली भी बनेगी, मैंने पूरी फेरिस बिजली अब मैंने बंद कर दिया ये काम। क्यों? बस अब वो वीना मलिक कर रही है, बड़ा अच्छा कर रही है। नहीं वो अलग करी, वो मिस दुनिया करी ना, आप मिस बिजली तो देयर इज ओनली वन मिस बिजली। बस अब मैं और चीजें करती हूँ ना, तो वो मैंने काम एक जगह छोड़ दिया बस। नहीं एंड आई रियली होप कि आप अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखें। चले ना के कोई और आपकी बायोग्राफी नहीं, नहीं कोई ना लिखे मेरी, मैं नहीं, तो वो तो हो जाएगा वो तो हो जाएगा, इससे पहले मैंने आइडिया भी दे दिया। देखिए प्लेस के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो मेरी अपनी मुझ पे से गुजरी होती है, मैं वो बहुत सारी भड़ास वहां निकाल लेती हूँ। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन एन ऑनर।